हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है क्वेश्चन और आंसर के संबंध में। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं अलग अलग तरह के मनाली टूर के संबंध में, खासकर स्नो पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा, पर्टिकुलर डेट में विजिट करना चाहते हैं, दिसंबर एंड में विजिट करना चाहते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। खास डेट को मेंशन करते हैं, कहते हैं कि बताइए कि हम उस समय कहाँ विजिट करें मनाली के आसपास, जहाँ हमें बर्फ़ देखने के लिए मिल जाए, स्नो पॉइंट मिल जाए और ढेर सारी एक्टिविटी भी कर पाएँ। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम जनवरी में आना चाहते हैं जब काफ़ी बर्फ़बारी हो, वो बर्फ़ देखना चाहते हैं, मनाली माल रोड पर भी, सोलंग वैली भी जाना चाहते हैं, अटल टनल भी जाना चाहते हैं, तो वो कैसे जा सकते हैं इतनी बर्फ़ में? तो वो सोर्स ऑफ माध्यम क्या है, किसकी मदद से वो जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियां तो चलती नहीं है, बाइक स्कूटी तो बर्फ़ में चलेगी नहीं, कार भी नहीं चलती है, तो किस गाड़ी की मदद से, कौन सी गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल रहती है जिसके द्वारा आप अटल टनल भी जा सकते हैं, हैवी स्नोफॉल हो फिर भी उस समय आप जा सकते हैं अटल टनल, सोलंग वैली, ये सारा शिशु घूम कर वो वापस आ सकते हैं। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो, 2 फीट 3 फीट बर्फ हो, उस समय भी आप जा सकते हैं। तो क्या उसका रहता है घूमने फिरने का, उसके बारे में बताऊँगा। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है इसके अलावा कि विंटर में ठंड कितनी हो रही है, खासकर जो परिवार के साथ आते हैं, छोटे बच्चे लेके आते हैं, 2 साल के बच्चे हो, 3 साल के, 5 साल के, तो क्वेरी रहती है कि कैसे आएँ, क्या क्या तैयारी करके आएँ, मतलब किस तरह के विंटर क्लॉथ लेकर आना चाहिए, बच्चों को लाना सेफ़ है कि सेफ़ नहीं है, ठंड कितनी पड़ती है, कितने माइनस में टेम्परेचर चले जाता है, तो इसके बारे में भी आप लोग के साथ जानकारी शेयर करूंगा, कितना टेम्परेचर हो जाता है और किस किस तरह के विंटर क्लॉथ लाना चाहिए और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए यदि छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं मनाली घूमने के लिए, खासकर हैवी विंटर के समय और हैवी स्नोफॉल के टाइम में मनाली में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन थे, खासकर अभी जो करेंट की बात करूँ, जो बहुत लोग स्नो पॉइंट पूछ रहे हैं कि क्रिसमस के आसपास उन्हें बर्फ़ देखने के लिए कहाँ मिल जाएगा, 2023 में मनाली विजिट करने का प्लान है, तो फिलहाल जो स्नो के लिए लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं अटल टनल की तरफ, शिशु की तरफ और कोक्सर की तरफ। जो अटल टनल है लगभग 35 किलोमीटर है मनाली माल रोड से, उसकी दूरी आगे 3 किलोमीटर शिशु है और कोक्सर है, वहीं पर अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है, वहीं पर मिलेगा। बहुत लोग जाना चाह रहे हैं कि अभी सोलंग वैली में बर्फ़ गिरी है कि नहीं गिरी है, तो फिलहाल सोलंग वैली में तो आपको बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, सोलंग वैली में अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है, तो उस तरफ यदि जाएंगे तो बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत लोग जानना चाहते हैं जनवरी में, 14 जनवरी को या फरवरी में, 4 फरवरी को, कि हमें बर्फ़ देखने के लिए कहाँ कहाँ मिल जाएगा, स्नो पॉइंट हमें बताइए, उस समय हम विजिट करेंगे। तो साफ साफ बता दूं, एडवांस में कोई कैसे बता सकता है कि बर्फ़ आपको 2 महीने बाद कहाँ देखने के लिए मिलेगा? 2 महीने बाद आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आप पूछेंगे बारिश के टाइम में कि बारिश होगी क्या पर्टिकुलर डेट को, तो कोई बता पाएगा आपको? कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, इसके लिए यदि आपको जानकारी चाहिए, मोटा मोटा थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा, तो शिमला वेदर डिपार्टमेंट है, तो उसके वेबसाइट में जाके देखिए, डिटेल रहता है, जो वेदर साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो जानकारी शेयर करते हैं, उससे थोड़ा आपको अपडेट मिल जाएगा। गूगल में चाहिए, गूगल क्रोम में वेदर फोरकास्ट डाल के सर्च करिए, 10 डेज, अगले 15 डेज का, 15 दिनों का, तो उसमें मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि धूप खिली रहेगी, बारिश होगी, बर्फ़ होगी, तो लगभग मान के चलिए 80-90% वो सही होता है, 10% क्या है वो फ्लक्चुएट करता है वेदर, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ, जिस समय आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको जनवरी और फरवरी और मार्च में कहीं ना कहीं तो स्नो देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हम जनवरी में आए सोलंग वैली में बर्फ़ मिल जाएगा, फरवरी में आए मिल जाएगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बर्फ़ है, गिरती है 2 फीट 3 फीट, तो सोलंग वैली के रोपवे और इसकी सेंटर में खासकर 4 से 5 दिन या 7 दिन बर्फ़ टिकी रहती है, उसके बाद क्या है, सैलानी आते हैं, भीड़ बढ़ती है, चलते फिरते हैं, एक्टिविटी होती है, बर्फ़ पिघल जाती है। इधर उधर ऊंचाई वाले एरिया में जाएंगे तो उसमें लोगों का आना जाना कम होता है, वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा। अंजनी महादेव मंदिर की तरफ जाएंगे, थोड़ी ऊंचाई पे है, छांव भी है, तो वहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए अच्छा खासा मिल जाता है विंटर के टाइम में। तो कहीं ना कहीं आप विजिट करेंगे जब भी, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं स्नो पॉइंट जहाँ अवेलेबल होगा उस समय पहुँचेंगे, कोई बता देगा, जिस होटल में रुके हैं वो भी बता देगा, जिस कैब से या टैक्सी से घूमने के लिए जाएंगे तो वो भी बता देगा, लोकल लोगों से पूछेंगे ना तो वो भी आपको बता देंगे कि यहाँ यहाँ अभी बर्फ़ है, और जहाँ जहाँ बर्फ़ होगा वहीं पर आपको स्नो वाली एक्टिविटी करने के लिए मिलेगी। बहुत सारे लोग एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, स्केटिंग करना चाहते हैं, ट्यूब स्लाइडिंग करना चाहते हैं, तो हर तरह की एक्टिविटी आप उस समय कर पाएंगे, लेकिन एडवांस में आपको कोई नहीं बता पाएगा 2 महीने पहले का स्नो पॉइंट कहाँ मिलेगा और
कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैवी स्नोफॉल होता है जनवरी और फरवरी में, मनाली माल रोड में भी होता है, सोलंग वैली में भी होता है, तो डेफिनेटली अटल टनल और सीसू और कोकसर में होगा ही। तो हैवी स्नोफॉल के टाइम में बहुत लोग जाना चाहते हैं, सोलंग वैली जाना चाहते हैं, अटल टनल सीसू उस तरफ जाना चाहते हैं, तो किस तरह जा सकते हैं? तो आमतौर पर साधारण टैक्सी तो नहीं जाएगी, बाइक या स्कूटी से भी नहीं जा पाएंगे, तो कैसे जाएंगे आप? तो मनाली में 4x4 जिप्सी चलती है, मारुति जिप्सी जो पुराना मॉडल है, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। वो बर्फ़ में आसानी से चल पाती है, और जो लोकल जिप्सी होती है हिमाचल के नंबर प्लेट की, उसको डेफिनेटली पुलिस वाले सोलंग वैली से आगे जाने का अलाउ करते हैं। तो उस जिप्सी को हायर करके किराए पर लेकर आप सोलंग वैली भी जा सकते हैं, सिसु भी जा सकते हैं, अटल टनल ये सारा घूमकर आप वापस आ सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि इसका किराया कितना होगा। देखिए भाई, किराया फिक्स नहीं होता है टूरिस्ट प्लेस में, खासकर मनाली में बता दूं। जैसा टूरिस्ट का रश रहता है, ज़्यादा भीड़ होगा तो ज़्यादा चार्ज करेंगे, कम भीड़ होगा तो कम चार्ज करेंगे। फिर भी मोटा मोटा बता दूं, यदि हैवी स्नोफॉल है सोलंग वैली में, जिप्सी से जाना चाहते हैं, उसमें 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं, पीछे 6 लोग, आगे ड्राइवर के बगल में 1 लोग, 7 लोग उसमें बैठकर जा सकते हैं। लेके जाएंगे और लेकर आएंगे, उसका टोटल कॉस्ट लगभग मोटा मोटा वो 6,000, 7,000, 8,000 इतना ले सकते हैं सोलंग वैली तक का। और इसके आगे सिसु जाएंगे, वहाँ से और आगे है 15 किलोमीटर अटल टनल, तो उसका तो डेफिनेटली मान के चलिए डबल ही चार्ज लेंगे उससे जितना वो ले रहे हैं। तो ये नेगोशिएबल होता है, कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, तो जो भी प्राइस बताए वो तो नेगोशिएट जरूर करें, तो थोड़ा बहुत आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के हाई रेट काफ़ी रहता है, क्योंकि और दूसरी गाड़ी जा नहीं पाती है, सिर्फ मारुति जिप्सी ही जा पाती है, तो लोग उससे आसानी से चले जाते हैं। तो उसको लेकर आप जा सकते हैं, और हैवी स्नोफॉल के टाइम में जो जो टूरिस्ट प्लेस घूमना हो, रास्ता खुला हो, पुलिस प्रशासन ने खोल रखा हो, तो डेफिनेटली आप घूमकर मनाली एक दिन में ही वापस आ भी सकते हैं। बहुत लोग जाना चाहते हैं परिवार के साथ, खासकर छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं मनाली घूमने के लिए विंटर में, लास्ट दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, बच्चों के साथ आ सकते हैं कि नहीं? बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, या उसके ऊपर का एज है 4-5 साल या उससे बड़ा है, डेफिनेटली आप आ सकते हैं। बहुत लोग आते हैं सैलानी घूमने के लिए, और घूम कर अच्छा खासा एंजॉय करके जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि बच्चों को साथ में ला रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान आपको रखना है, जो भी होटल लें कोशिश करें उसमें रूम हीटर की सुविधा उपलब्ध हो, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि मनाली में काफ़ी ठंड होती है और टेम्परेचर लगभग माइनस में चले जाता है, रात को तो -6, -7, -10 डिग्री तक भी सम टाइम कभी कभी वो चला जाता है, तो कुल मिला के वेदर ठंडा ही रहता है। दूसरी बात, यदि लेकर आ रहे हैं बच्चों को तो अच्छी क्वालिटी के विंटर क्लॉथ जरूर लेकर आए। विंटर क्लॉथ का मतलब है अच्छी क्वालिटी के जैकेट, स्वेटर, टोपी, दस्ताने, ये सारी चीज़ें हैं ना, मोजे जो भी है, ये अच्छी क्वालिटी, अच्छी वुलन क्लॉथ लेकर आएँ, खुद के लिए भी लेकर आएँ, बच्चों के लिए लेकर भी आएँ, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं। क्योंकि घूमेंगे तो टैक्सी में ही, टैक्सी में तो ठंड उतनी फील होगी नहीं, बाहर निकलेंगे घूमने के लिए बर्फ़ में वहीं ठंड लगेगी, या कहीं मनाली में घूम रहे हैं आसपास वहीं ठंड लगेगी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप आसानी से जिस किसी उम्र के बच्चे को लेकर आना चाहते हैं मनाली घूमने फैमिली के साथ, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ये तो था क्वेरी आप लोगों का, कुछ क्वेश्चन के आंसर करने थे मुझे, बहुत लोगों के कमेंट आते रहते थे इस तरह के, तो इस तरह का मैंने सोचा है वीक में एक बार इसी तरह के अपडेट, मतलब वीडियो क्वेश्चन आंसर के संबंध में आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहूँगा। तो जो भी मनाली आने का प्लान कर रहे हैं, मनाली टूर का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा मनाली घूमने के लिए, और अच्छी तरह आप मनाली घूम पाएंगे।